छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजातियों के 10% आरक्षण कम होने पर आदिवासियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर भाजपा के पूर्व गृह मंत्री रामसेवक पैकरा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने आदिवासियों के हितों के बारे में नहीं सोचा, जिसकी वजह से उच्च न्यायालय के द्वारा 19 सितंबर को मिलने वाले 32% आरक्षण में से 10% आरक्षण घटा दिया गया है। भाजपा नेता ने आगे कहा, प्रदेश सरकार चाहती तो अच्छे वकील रखकर बेहतर तरीके से इसकी सुनवाई की जा सकती थी, लेकिन सरकार आदिवासी हितैषी नहीं होने की वजह से ऐसी स्थिति निर्मित हुई है। वहीं भाजपा इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की तैयारी कर रही है, जिससे कि आदिवासियों को मिलने वाले 32% आरक्षण का लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिल सके। लिहाजा प्रदेश में कांग्रेस के 27 विधायक अनुसूचित जाति से आते हैं, वहीं 2 विधायक भाजपा से आते हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव नजदीक है तो सबसे बड़ा सवाल कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए आरक्षण सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को 32% का आरक्षण दिया गया है, जो अभी स्थिति आया है माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो फैसला आया है उसमें 20% कर दिया गया, जिसके कारण पूरे छत्तीसगढ़ के जो जनजाति समुदाय के लोग हैं उनमें काफी आक्रोश भी है। और अगर न्यायालय में प्रकरण चल रहा था 2011 से माननीय भूतपूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में 32% का लाभ आदिवासियों को मिल रहा था, लेकिन अभी जो कल तक निर्णय आया है 19 तारीख सितंबर को, इससे निश्चित है आदिवासी वर्ग का काफी असंतोष है।